से हाय गाइस, आई एम राहुल कुमार पासवान एंड वेलकम बैक टू द चैनल डांस एंड ड्रीम ऑफ पैशन में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी, मैंने छोटा सा 5 सिंपल बेसिक स्टेप्स की वीडियो डाली थी। आई होप कि आपको वो देखकर बहुत ही पसंद आई होगी और खासकर वो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही जो कि नए बिगनर्स डांसर हैं। और उस वीडियो की तरह दोस्तों, आपके सामने एक बार फिर से नए कंटेंट के साथ और नए ट्यूटोरियल के साथ एक छोटा सा टटिंग कॉम्बो लेकर आ चुका हूँ। गाइस, यदि आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आगे तक कंटिन्यू करते रहिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में स्किप किया तो आई होप, मुझे लगता है कि आप ढंग से सीख नहीं पाओगे। तो गाइस, अगर आप मेरी टटिंग कॉम्बो को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक बरकरार रहिएगा। सो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आपको क्या करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दोनों हाथ को सामने रखने और उसके बाद दोनों हाथों को एक साथ टुगेदर एक साथ रख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट काउंट हो गया एंड देन दोस्तों हमारा जो सेकंड काउंट है, नमस्ते। ओके दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट हमारा क्या हुआ था दोस्तों, फर्स्ट यानी वन, सेकंड नमस्ते, और थर्ड है दोस्तों वो हम दोनों हाथों को नमस्ते वाला है जो उसको नीचे डाउन कर देंगे, थ्री। और फोर्थ काउंट दोस्तों सिंपल सा, जो हमारा लेफ्ट वाला है वो यहीं का यहीं रहेगा और राइट वाला स्लाइड होके लेफ्ट वाले के आगे लग जाएगा। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, थ्री के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सो गाइस, ये है हमारा फोर्थ एंड दोस्तों ये है फाइव। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों शुरू से लेकर एक बार फिर से हम फाइव काउंट तो करते हैं। सो गाइस, शुरू से लेकर फिर करते हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड दोस्तों इसके बाद को जो अगला स्टेप है वो क्या करना है दोस्तों, आपको राइट वाला जो हैंड्स हैं वो लेफ्ट वाले के बिल्कुल पीछे जाके चिपक जाएगा, सिक्स। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, उसके बाद वो लेफ्ट वाला हैंड है उसके ऊपर हमारा जो राइट वाला जिसको हाथ है इसको स्लाइड करके लेफ्ट वाले के एल्बो तक लेके जाएंगे, सेवन। एंड नेक्स्ट दोस्तों उसमें क्या करना है, जैसे कि आपने बेसिकली आपने रोल सीखा होगा, हैंड्स को रोल करते हैं ऐसे 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 के लिए। ओके दोस्तों, ऐसे ऐसे आगे पीछे, ये इनसाइड से हो गया और ये आउटसाइड से हो गया। सो गाइस, सो हमें एट काउंट्स को क्या करना है दोस्तों, जैसे ही हमने यहाँ पे रखा स्लाइड के एल्बो के पास के, उसके बाद दोस्तों सेम हेयर दोस्तों हमें यहाँ से क्या करना है, जो आपका राइट वाला है उसको इनसाइड की तरफ रोल करेंगे और जो लेफ्ट वाला है उसको आउटसाइड की तरफ से रोल करेंगे, एट। एंड देन दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, सेम हेयर दोस्तों, जैसे हमने इनसाइड से राइट वाला रोल किया वैसे दोस्तों अब लेफ्ट वाला इनसाइड आएगा और राइट वाला आउटसाइड आएगा, वन। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं शुरू से लेकर फिर दोबारा एट काउंट्स तक दोबारा से करते हैं। सो गाइस, फिर से यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ओके दोस्तों, एंड जो हमने रोल किया था ये हमारा दोबारा सेकंड बार स्टार्ट होता है और सेकंड बार फर्स्ट काउंट स्टार्ट होता है, ये वन। वन के बाद दोस्तों हमें अगला स्टेप जो करना है, वापिस हमें क्या करना है, जो राइट वाला हमने लेफ्ट वाले एल्बो तक लेके आए थे वहीं से वापस हमें रिटर्न वापस लेके आना है और यहाँ पे क्लोज कर देना। तो ये जो हमारा हुआ ये टू, एंड देन दोस्तों जो हमारा थ्री है वापस स्लाइड होके लेफ्ट के एल्बो पे चला जाएगा, फोर। ओके दोस्तों, सो दोस्तों ये हमारा वन एंड हाफ बार कंप्लीट हो चुका है। अब इसको दोबारा शुरू से करते हैं और वन एंड हाफ बार दोबारा से रिपीट करते हैं। सो गाइस, यहाँ से हम करेंगे दोबारा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड वन टू थ्री फोर। सो वन एंड हाफ बार हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके आगे का स्टेप, उसके आगे का स्टेप क्या है दोस्तों, फोर के बाद जो हमारा फाइव काउंट्स है उसमें हमारा जो ये लेफ्ट वाला है हैंड्स हथेली है वो नीचे की तरफ डाउन जाएगी और राइट वाला जो हमारा हथेली है वो इसको दबाता हुआ लेके जाएगा, फाइव। सो आई होप कि आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। फाइव के बाद अगला जो स्टेप है दोस्तों, ये राइट वाला स्लाइड होके लेफ्ट वाले के ऊपर चला जाएगा, सिक्स। ओके दोस्तों, एंड दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जो सेवन है वो फिर से दोबारा यहाँ से जो हमारी रिस्ट है लेफ्ट वाले की यहाँ से स्लाइड होता हुआ लेफ्ट वाले के कॉर्नर में चला जाएगा, सेवन। एंड नेक्स्ट दोस्तों हमें क्या करना है, एक एक करके दोनों हाथों को ओपन कर लेना है, कैसे, एट। एंड दोस्तों उसके बाद हमारा दो बार ख़त्म हो चुका है, अब उसके बाद दोस्तों हमारा वन जो है यहाँ पे आएगा। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा।
तो यहाँ से दोस्तों हम दो बार जो कर चुके हैं स्टेप बाय स्टेप करके उसको हम शुरू से लेकर और यहाँ तक कर रहे हैं। सो गाइज लेट्स फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। से यहाँ से करना है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 5 6 7 8 एंड 1। सो अब दोस्तों यहीं से हमें कंटिन्यू आगे की तरफ करना है। आगे की तरफ करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमारा राइट वाला है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी रिस्ट घूमेगी और ये जो पाम है हमारा आगे की तरफ हथेली जो आगे की तरफ जा रखा है ये हमें उल्टा करके आगे की तरफ करना है। एंड देन दोस्तों उसके बाद क्या करना है हमें दोस्तों, हम इन दोनों हाथों को वापस अपनी तरफ ले लेंगे। थ्री के बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसमें हमें क्या करना है, यहाँ से हमारा जो राइट वाला एल्बो है वो उठेगा और जो हथेली है हमारी राइट वाले की वो हमारे लेफ्ट वाले की तरफ आके झुक जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं 4। उसके बाद दोस्तों हमारे जो 5 काउंट्स हैं नेक्स्ट है, उसके बाद यहाँ से हमारा राइट वाला है, यहाँ से हमारा राइट वाला स्लाइड होके जो कि लेफ्ट वाले से होता हुआ ओके दोस्तों अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, अब हम जब राइट वाले को स्लाइड करके आए वैसे ही दोस्तों हमें लेफ्ट वाले को स्लाइड करके राइट वाले के नीचे लेके आना है 6। अब दोस्तों यहाँ से आप मुझे देख सकते हैं, अब यहाँ से हमें दोस्तों दोनों हाथ को एक साथ ट्विस्ट करना है, जो ट्विस्ट करना है वो हमें राइट की तरफ लेके जाना है 7। 7 पर दोस्तों 8 हमें क्या करना है, वापस हमें राइट वाले को डाउन नीचे लेके आना है, राइट वाले के नीचे लेके आना है लेफ्ट वाले को 8। सो ये हमारा बन गया लास्ट 8 काउंट्स जो कि थर्ड बार था उसका लास्ट काउंट था दोस्तों ये बाबा जी का ठुल्लू, सॉरी दोस्तों बाबा जी का ठुल्लू तो नहीं पर एक्चुअली दोस्तों ठुल्लू ऐसे ही नजर आता है। सो दोस्तों आई होप कि अब आपको इतना 3 बार मैं आपको अब समझा चुका हूँ। 3 बार के बाद दोस्तों अब हमें शुरू से लेकर 3 बार कंटिन्यू करना है, लेकिन पहले मैं आपको स्लो करके दिखाऊंगा उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको फास्ट करके दिखाऊंगा। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। सो फर्स्ट यहाँ से दोस्तों हमारा 1 2 down 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके दोस्तों अब बाबा जी का ठुल्लू पता आ गया, अब ठुल्लू के आगे करना है कैसे दोस्तों 7 8 हो गया हमारा 3 बार हो चुका है। अब बाबा जी के ठुल्लू के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप जो करना है दोस्तों 8 के बाद फिर 1 से स्टार्ट करेंगे। 8 के बाद यहाँ से 1 हो चुका है दोस्तों। 1 के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इन दोनों हथेलियों को एक साथ ज्वाइन करना है। सो कैसे, 1 के बाद यहाँ से हमें स्लाइड 2 के बाद दोनों हथेलियों को ऐसे एक दूसरे से चिपकाते हुए इन फ्रंट नमस्ते पर आ जाना है। सो समझ गए होंगे दोस्तों क्या करना था हमें, यहाँ बाबा जी का ठुल्लू आ चुका था, बाबा जी का ठुल्लू जो 8 काउंट था उसके बाद दोस्तों हमें वापस 1 and 2 एंड स्लाइड करते हुए 3 के बाद दोस्तों वापस हमें क्या करना है, हमें इन दोनों हथेलियों को जो हमने फर्स्ट वाला स्टेप किया था 3 के बाद वहीं पर वापस हमें लेके जाना है 4। ओके दोस्तों ये हमारा वापस वहीं पे आ चुका है 4 के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमारा ये दोनों हैंड्स हैं जो रिस्ट है वो लेफ्ट और राइट दोनों की दोनों राइट की तरफ टर्न हो जाएगी। सो 5 हो गया हमारा दोस्तों। 5 के बाद दोस्तों हमारा जो अगला स्टेप है वो राइट वाला स्लाइड होके लेफ्ट वाले का जो रिस्ट है जहाँ पे जॉइंट्स होता है उसके किनारे में चला जाएगा, यानी कि लेफ्ट वाला घसक के लेफ्ट की तरफ चला जाएगा 6 7 8। सो दोस्तों पूरी के पूरी 8 बार हो चुके हैं, यानी कि 32 काउंट्स हम क्लियर कर चुके हैं। अब 8 काउंट्स यानी कि दोस्तों 32 काउंट्स करने के बाद अगला जो हमारा 8 32 हाँ 4th बार के बाद हमारा 5th बार स्टार्ट होगा दोस्तों। तो 5th बार करने के लिए हमें क्या करना है, हमने राइट वाले के एल्बो जो देख सकते हैं राइट वाला जो हैंड है वो लेफ्ट वाले के ऊपर है जो हमने स्ट्रेट कर रखा है, अब इसको यहाँ से हमें स्लाइड करके हमें लेफ्ट की तरफ लेके जाना है 1। यहाँ से जब हम 1 लेके जाएंगे तो यहाँ से हमें सर्कल बनाना है। अब सर्कल कैसे बनाना है, आउटसाइड से सर्कल बनाना है इन फ्रंट सामने की तरफ और उसके बाद बाबा जी का ठुल्लू बना देना है। सो अगेन हमें क्या करना है दोस्तों, बाबा जी का ठुल्लू बना देना है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, 3 के बाद हमें इसे स्लाइड करके नीचे लेके आना है कैसे 4
जब हम इसे फोर लेके आएंगे नीचे दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, दोनों के दोनों सामने की तरफ स्ट्रेट कर देंगे हैंड्स को ऐसे। ओके दोस्तों, अभी तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फाइव फिफ्थ काउंट पे आ गए हैं। फाइव यानी कि हमारा ये जो बार चल रहा है वो फिफ्थ बार का फिफ्थ काउंट चल रहा है। ओके दोस्तों, जो फाइव के बाद हमें दोस्तों क्या करना है, हमें यहाँ से हैंड को ट्विस्ट कर देना है। कैसे दोस्तों, फाइव के बाद यहाँ से हमें ट्विस्ट कर देना है। ट्विस्ट कैसे करना है, राइट वाले नीचे चला जाएगा और जो लेफ्ट वाला है वो उसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ से ज्वाइनिंग है ये यहाँ पर ही नहीं, यहाँ से जो ज्वाइनिंग है इसे टूटने नहीं देना हमें। सो हमारा सिक्स को जो काउंट है वो ट्विस्ट कर जाएगा। सिक्स के बाद जो हमारा अगला काउंट है दोस्तों, उसमें क्या करना है आपको, जो लेफ्ट वाला है वो इनसाइड की तरफ एल्बो से अंदर की तरफ बैंड हो जाएगा, लेकिन जो हैंड्स है वो बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे। तो सिक्स के बाद हमारा अगला काउंट से दोस्तों वो हमारा है सेवन। अब सेवन के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि ये हमारा जो रिस्ट है ये हमारे एल्बो जो राइट वाले का एल्बो है उसके पास ही नज़दीक में जाके लगा हुआ है। तो ये हमारा जो काउंट्स है सिक्स के बाद दोस्तों, ये सेवन्थ हमारा। सेवन्थ के बाद दोस्तों हमारा एट काउंट्स है, जो हमारा फ्रंट की तरफ सामने की तरफ जो राइट वाला हैंड्स है वो दोस्तों ट्विस्ट करके वो दोस्तों घूम के वो अब लेफ्ट वाले के एल्बो के पास चला जाएगा, यानी कि ये एट। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये हमारा एट काउंट हो गया। एट के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इन दोनों हाथों को एक साथ चिपका देना है, यानी कि हमारा फिर से सिक्स बार का पहला काउंट स्टार्ट हो चुका है। सो सिक्स बार के लिए दोस्तों यहाँ से हमारा दोनों हाथ एक साथ चिपकेगा, वन एंड दोस्तों चिपकते हुए दोनों को एक साथ, और यहाँ से फिर दोबारा टू, नमस्ते की पोजीशन में हम फिर दोबारा आ चुके हैं। सो गाइस यहाँ से लेकर शुरू से लेकर और यहाँ तक एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। दोस्तों फिर दोबारा से करते हैं यहाँ से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। सो आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। एंड देन दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट था एट के बाद, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड वन टू। अब इसके आगे का जो स्टेप है दोस्तों, जैसे हमने लेफ्ट में सॉरी राइट में किया था वैसी दोस्तों सेम चीज़ हमें लेफ्ट में करनी है। कैसे करनी है दोस्तों, अब यहाँ से करेंगे, यहाँ से एट काउंट हमारे पूरे हो चुके हैं, यहाँ से करेंगे दोस्तों वन। वन के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, राइट वाला जो है राइट की तरफ स्लाइड होता हुआ जो हमारा रिस्ट है लेफ्ट वाले का वहाँ पे टच हो जाएगा, कैसे बॉक्स की तरफ। टू, टू के बाद दोस्तों थ्री एंड थ्री के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, फिर हमें लेफ्ट वाले का हैंड स्ट्रेट कर देना है जहाँ से रिस्ट जुड़ी हुई है। फोर, फोर के बाद दोस्तों जैसे हमने किया था लेफ्ट, जैसे हमने लेफ्ट की तरफ सर्कल बनाया था वैसे दोस्तों हमें लेफ्ट से ले जाके राइट की तरफ सर्कल बनाना है। ओके दोस्तों, फिर यहाँ से हमें सर्कल बनाना है एंड यहाँ से फिर दोबारा हमें बाबा जी का टुल्लू बना देना है। बाबा जी का टुल्लू बनाने के बाद दोस्तों सेम हेयर यहीं से जो हमने राइट में किया था वैसे दोस्तों घसका के नीचे लेके आएंगे, जो कि लेफ्ट के राइट के नीचे लेके चले जाएंगे। एट, एट यहाँ से जैसे हमने राइट साइड में किया था वैसे दोस्तों हमें यहाँ पे आपके सामने मतलब इन फ्रंट की तरफ दोनों हाथों के सीधा कर, वन वन के बाद दोस्तों फिर वापस हम अंदर की तरफ क्लोज कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो राइट वाला हैंड है वो अंदर जाएगा, वन उसके बाद दोस्तों टू जाएगा, सॉरी टू उसके बाद थ्री, थ्री के बाद दोस्तों हमें दोनों हाथों को एक साथ क्लोज में कर, फोर एंड चिपकाते हुए फाइव एंड सिक्स, और फिर यहाँ से दोस्तों हमारा ये काम पूरा फिनिश हो चुका है। सो आई होप दोस्तों कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं शुरू से लेकर एंड तक काउंट्स पे दोबारा बता देता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आप कहना है दोनों हाथों को एक साथ यहाँ से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नेक्स्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन
8 एंड 1 एंड फिनिश्ड। सो दोस्तों आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों इसी स्टेप को मैं थोड़ा सा फास्ट करके दिखा रहा हूँ और उसके बाद दोस्तों इसके बाद हम म्यूजिक पे स्टार्ट करेंगे। सो फ्रॉम द टॉप दोस्तों फिर दोबारा से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 एंड 1। सो आई होप दोस्तों कि इतना फास्ट करने के बाद आपको, मैंने ज़्यादा फास्ट भी नहीं किया, बहुत स्लो किया है, और इतना स्लो करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आ गया होगा। मैंने टोटल काउंट्स जो किए हैं दोस्तों वो कुल मिलाकर 7 बार और 2 काउंट्स एक्स्ट्रा हो रहे हैं। 7 बार का मतलब दोस्तों यानी कि एक बार में 8 काउंट्स यानी कि 56 काउंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो इसके लिए मैं जो मेरे से आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको सिर्फ 32 काउंट्स ही सिखाने चाहिए थे। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये सारी की सारी प्रैक्टिस के ऊपर बात है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे। तो सो गाइस अब एक बार हम म्यूज़िक पर ट्राई कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों फिर दोबारा अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ या फिर एक नई रूटीन के साथ, नए ट्यूटोरियल के साथ आपके साथ आपसे फिर से मुलाकात करूँगा दोस्तों। तब तक के लिए शब खैर एंड डांस इट ड्रीम ऑफ पैशन।